लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आप लोगों के साथ एक बहुत ही क्यूट सी लव स्टोरी लेके आई हूँ, जिसमें हम एक बहुत ही आम से लड़के जिसका नाम है अलादीन की लव स्टोरी देखेंगे प्रिंसेस ऑफ आगरा जिनका नाम है जैस्मिन के साथ। और ये लव स्टोरी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इट्स फुल ऑफ हर्डल्स एंड वैसे भी कोई भी लव स्टोरी इन हर्डल्स के बिना अधूरी है। और इस मूवी का नाम है अलादीन, जो मुझे बताने की एक्चुअल में जरूरत नहीं थी, क्योंकि बचपन में हमने कार्टून कैरेक्टर में भी इनको देखा है काफी अच्छे से। तो चलिए थोड़ी अपनी बचपन की यादें ताजा करते हैं और चलते हैं मूवी की समरी की तरफ। लेकिन उससे पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और सिनेमा बातचीत फैमिली का हिस्सा जरूर बने। और हमारे चैनल पर हमारे लकी सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ अमेजिंग गिव अवेज भी चल रहे हैं, जिसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो के एंड में दी है। तो प्लीज गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अब बातचीत को यहीं रोकते हैं और चलते हैं लव स्टोरी की तरफ। यहाँ मूवी की शुरुआत होती है जहाँ हम दो बच्चों को देखते हैं जो एक शिप पर होते हैं और उनके सामने दूसरी शिप आ जाती है और वो दोनों उस शिप को देखकर उसकी बातें करने लगते हैं, क्योंकि उनको वो शिप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और बड़ी लगती है। और तभी उनके पापा वहाँ पर आकर उनको समझाते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज आपको अट्रैक्टिव लगती है कि वो आपके लिए भी अच्छी हो। और हमारी शिप ने तो हमेशा ही हमारा कितना साथ दिया है, चाहे कितना बुरा सा बुरा तूफान क्यों ना आया हो। चलो आओ बच्चों, मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। और इसके बाद वो बच्चों को कहानी सुनाना शुरू कर देता है। और ये कहानी होती है अलादीन की, जिसमें अरेबियन सिटी ऑफ अग्रबा का जो वजीर होता है वो किसी केव के बाहर खड़ा होता है। तब केव से आवाज आती है, डायमंड इन द रफ, इट मींस कि केव को खोला जाए, यही इंसान केव के अंदर जाएगा। और फिर अलादीन को दिखाया जाता है जो किसी लड़की से बातें कर रहा होता है। और अलादीन का बंकी जिसका नाम अबू होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की के नेकलेस को चुरा लेता है, क्योंकि ये दोनों का आगरा में चोरी करने का ही काम था। और उसके बाद ये दोनों एक शॉप से नेकलेस के बदले खजूर लेकर आते हैं। और बाहर आते ही अलादीन को कुछ भूखे बच्चे दिखते हैं तो वो उनको भी खजूर दे देता है। इट मीन्स अलादीन दिल का बुरा नहीं है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एक लड़की को जो कि वहाँ की प्रिंसेस है और उसका नाम जैस्मिन है, लेकिन वो बाहर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर घूम रही होती है। और उसको वहाँ पर दो भूखे बच्चे दिखते हैं तो वो किसी शॉप से उन बच्चों को ब्रेड लेकर दे देती है, लेकिन उसके पास उस शॉपकीपर को पैसे देने के लिए नहीं थे, इसीलिए वो शॉपकीपर उसको पकड़ लेता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि वो वहाँ की प्रिंसेस है। और तभी वहाँ पर अलादीन आकर बहुत ही चालाकी से जैस्मिन को वहाँ से लेकर चला जाता है और सीधा अपने घर ले जाता है, जो कि काफी टूटी फूटी हालत में था। लेकिन वहाँ से वो पूरे शहर को देख पाती है एंड इवन जैस्मिन को अपना पैलेस भी दिख जाता है। लेकिन वो अलादीन को अपना रियल नेम नहीं बताती और उसको अपना नाम डालिया बताती है। लेकिन जब अलादीन उसका ब्रेसलेट देखता है तो वो समझ जाता है कि ये पैलेस से आई है, क्योंकि ऐसी चीजें बस पैलेस के लोगों के पास ही होती हैं। लेकिन वो अलादीन से कहती है कि वो जैस्मिन के लिए काम करती है। और तभी वो देखती है कि पैलेस के पास कोई शिप आ रहा होता है, इसीलिए वो अलादीन को बोलती है कि मुझे वहाँ जाना होगा क्योंकि मुझे प्रिंसेस जैस्मिन को रेडी करना है। और तभी वो अपनी पॉकेट में चेक करती है तो उसका ब्रेसलेट नहीं होता। और तब वो अलादीन से अपना ब्रेसलेट मांगती है, लेकिन वो उसको बोलता है कि मेरे पास तुम्हारा ब्रेसलेट नहीं है। और वो उसको बोलती है कि वो मेरी माँ का ब्रेसलेट था और मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था कि तुम एक चोर ही हो। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ अलादीन के पास अबू आता है और उसको वो ब्रेसलेट दे देता है। और तब अलादीन उसको बोलता है कि किसी किसी सिचुएशन में चोरी नहीं करनी चाहिए, और वो वही सिचुएशन थी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जैस्मिन को जो पैलेस में रेडी होकर नीचे आ जाती है और उसको एक प्रिंस शादी के लिए देखने आया होता है, लेकिन वो जैस्मिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो शादी के लिए मना कर देती है। और वहीं हम देखते हैं यहाँ के वजीर को, जिनके पास मैजिकल पावर्स भी हैं, उसने वहाँ के सुल्तान को बोला कि हमको अब अपनी आर्मी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि अब तो प्रिंसेस ने प्रिंस से शादी के लिए भी मना कर दिया है, जो कि उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। फिर इसके बाद वजीर सुल्तान को अपने वश में कर लेता है और फिर एक किंगडम जिसका नाम सेरापर होता है वहाँ पर अटैक करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर जैस्मिन आ जाती है और वो सुल्तान को बोलती है कि हम वहाँ पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि मेरी माँ वहाँ से थी। ये सुनकर
देखकर सुल्तान भी होश में आ जाते हैं और जैस्मिन की बात मान जाते हैं। और तभी हम अलादीन को देखते हैं जो छुपके से पैलेस में घुस जाता है क्योंकि उसको बस जैस्मिन का ब्रेसलेट वापस करना था। लेकिन वहाँ पर अलादीन को वजीर का पालतू पैरट देख लेता है और वो वजीर को जाकर बोलता है कि ये लड़का डायमंड इन द रफ है जो उस केव के अंदर जा सकता है। और तभी अलादीन जैस्मिन के पास पहुँच जाता है और उसको उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है और उसको बोलता है कि वो कल फिर आएगा और वो दोनों साथ में वॉक करने जाएंगे। लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो वहाँ से उसको वजीर के सैनिक पकड़कर ले जाते हैं और वजीर उसको रेगिस्तान में ले जाता है और उसको बोलता है कि जिस लड़की से तुम छुपकर मिलने गए थे वो यहाँ की प्रिंसेस है जिसका नाम जैस्मिन है और मैं भी पहले तुम्हारे जैसा ही चोर था लेकिन अब मेरी किस्मत बदल गई है और मैं तुम्हारी किस्मत भी बदल सकता हूँ कि तुमको जैस्मिन के आगे जाने में भी शर्म नहीं आएगी और तुम जो भी खरीदना चाहो खरीद सकते हो लेकिन उसके लिए तुमको एक केव में जाना होगा और वहाँ से एक ऑयल लैंप लाना होगा। लेकिन याद रहे वहाँ पर काफी सारी और भी चीजें होंगी जिसको देखकर तुमको लालच आएगा लेकिन तुमको उसमें से कुछ भी नहीं छूना और बस वो लैंप लेकर बाहर आना है और अगर तुमने और कुछ भी टच किया तो वो केव हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और तुम हमेशा के लिए ही उसके अंदर बंद हो जाओगे। और अलादीन उसकी बातों में आ जाता है और वो उस केव के अंदर चले जाता है और अंदर जाकर अलादीन और अबू को वहाँ पर बहुत सारी बेशकीमती चीजें दिखती हैं जिसको देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं और उनको वहाँ पर एक मैजिकल कारपेट भी दिखता है जो उनको एक्शन के थ्रू समझाता है कि उसको वहाँ से फ्री होना है और अलादीन समझ जाता है और उसको वहाँ से फ्री कर देता है। इसके बाद इसकी नजर उस लैंप पर जाती है जिसको लेने के लिए वो वहाँ पर आया होता है तो वो दोनों सीधा ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और तभी अबू को एक रेड कलर का डायमंड दिखता है और वो उसको टच कर देता है और तभी गुफा से जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं और लावा फैलने लगता है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो लैंप लेकर केव की एंट्रेंस तक पहुंच जाता है जहां पर वजीर उसका वेट कर रहा होता है और वो अलादीन के हाथ से लैंप ले लेता है और उसको केव के अंदर ही धक्का दे देता है। लेकिन अबू उसके हाथ से लैंप छीन कर केव के अंदर ले जाता है और मैजिकल कारपेट दोनों को सेफली नीचे उतार देता है और अबू अलादीन को वो लैंप दिखाता है जो उसने वजीर के हाथ से छीन लिया था और अलादीन को वो लैंप काफी गंदा लगता है तो वो अपने हाथ से रब कर उसको साफ करने लगता है और तभी अचानक से उसमें से जिनी बाहर आ जाता है और उसको बोलता है कि अब आप मुझे 3 विशेष बताना जो मैं आपके लिए पूरी कर सकता हूँ। तुमको बस लैम्प को रब करना होगा और बोलना होगा आई विश। फिर अलादीन कहता है तो ठीक है फिर हम लोगों को इस केव से बाहर निकालो। तो जिनी अलादीन अबू और मैजिकल कारपेट को बाहर निकाल देता है और तब अलादीन जीनी को कहता है कि तुमने अभी तक मेरी एक भी विश पूरी नहीं की है क्योंकि मैंने तो अभी तक लैम्प को एक भी बार रब करके ये नहीं बोला कि आई विश। क्लेवर अलादीन और जीनी उसकी बात मान जाता है। फिर अलादीन को जिनी से बात करके ये पता चलता है कि वो हजारों सालों से इस लैंप में कैद है और अगर उसे कोई भी उसकी विश पूछे तो वो उनको यही बोलेगा कि उसको इस लैंप से फ्री कर दिया जाए और वो अपनी लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह स्पेंड करेगा। तब अलादीन उससे पूछता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। तब जिनी उसको बोलता है कि ऐसा तभी हो सकता है अगर कोई इंसान 3 में से एक विश ये बोल दे कि अब तुम आजाद हो तो मैं आजाद हो जाऊंगा। तब अलादीन उसको बोलता है कि मैं ऐसा कर दूंगा लेकिन उससे पहले तुम मुझे एक प्रिंस बना दो। तो जिनी उसकी ये बात मान जाता है और उसके लिए एक पूरा किंगडम बना देता है और उसको प्रिंस ऑफ अबुवा बना देता है और अबू को एक हाथी बना देता है। और अब जो अलादीन प्रिंस बन चुका था तो वो प्रिंसेस जैस्मिन के पैलेस में मिलने जाते हैं और जिनी सबको बताता है कि ये अली है प्रिंस ऑफ अबावा। और जब अलादीन जैस्मिन और सुल्तान से बात करता है तो वो काफी ज्यादा गलतियां करता है क्योंकि वो तो अभी नया नया प्रिंस जो बना था और वजीर उसको बोलता है कि आज से पहले तो हमने कभी भी इस किंगडम के बारे में नहीं सुना। और वहाँ पर सुल्तान अली को शाम को दावत में आने को बोलता है और तब जैस्मिन और सुल्तान वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअल में अलादीन बिल्कुल बदल चुका होता है और उसको कोई भी नहीं पहचान पाता और वो काफी दुखी होता है क्योंकि वो जैस्मिन को इम्प्रेस नहीं कर पाया था। तब जिनी उसको समझाता है
कि कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास शाम को एक और मौका है, तब तुम उसको इम्प्रेस कर लेना। और शाम को जब अलादीन दावत पर पहुंचता है, तब वजीर अपनी मैजिकल पावर से अलादीन को अपने वश में करने का ट्राई करता है, लेकिन वहां पर जिनी को पता लग जाता है तो वो वजीर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और वो अलादीन पर मैजिक नहीं कर पाता। और अलादीन फिर से जैस्मिन को इम्प्रेस करने के लिए उसके पास चले जाता है, लेकिन वो उस टाइम भी काफी कंफ्यूज था क्योंकि उसको नहीं समझ आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। और तभी वहां पर म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है और जिनी उसको गाइड करता है कि तुमको अब डांस करना चाहिए। और उसके बाद वो अलादीन से काफी बढ़िया डांस करवाता है, जिसको देखकर सब लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं एक्सेप्ट जैस्मिन। और जैस्मिन दावत छोड़कर वहां से चली जाती है। और दावत के बाद हम देखते हैं कि जिन डालिया जो जैस्मिन के सारे काम करती थी और याद हो जिसके नाम से उसने अपने आप को सबसे पहले अलादीन को इंट्रोड्यूस किया था, उससे मिलने जाता है और उसको अपने साथ वॉक पर ले जाता है क्योंकि जिन को डालिया काफी ज्यादा पसंद आई होती है। दूसरी तरफ हम जैस्मिन को उसके रूम में देखते हैं और वहां पर अलादीन भी पहुंच जाता है और कहता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। और जब जैस्मिन अलादीन के साथ बाहर जाती है, उसके मैजिकल कारपेट को देखती है, तब वो काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसको घूमने फिरने का काफी ज्यादा शौक होता है। और वो दोनों घूमने निकल जाते हैं और इसी दौरान जैस्मिन को ये पता लग जाता है कि अलादीन और अली दोनों सेम ही हैं। और तब वो उससे पूछती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। तब अलादीन उसको बोलता है कि मुझे घूमने का काफी शौक है, इसीलिए मैं अपना हुलिया बदल कर घूम रहा था। एक्चुअल में वो एक प्रिंस ही है और जैस्मिन उसकी बात मान जाती है क्योंकि वो खुद भी तो ऐसा ही करती थी। और पैलेस आकर अलादीन सब कुछ जिनी को बताता है और जिन कहता है कि तुमने ये बिल्कुल गलत किया क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो तो तुमको उससे झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए और तुम पूरी जिंदगी अपना ये सच नहीं छुपा सकते कि तुम एक चोर थे। वहीं दूसरी तरफ वजीर के पैरट ने अलादीन को मैजिकल कारपेट में देख लिया था और वो सीधा जाकर वजीर को ये बता देता है और वजीर समझ जाता है कि अली ही अलादीन है जिसको उसने केव में भेजा था और उसने ये सब कुछ उस मैजिकल लैम्प से ही किया है। इसीलिए वो अपने सिपाहियों को भेजकर अलादीन को अपने पास बुलवा लेता है और उससे लैम्प के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बताता। वहीं हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि अबू मैजिकल कारपेट पर बैठकर ऑयल लैम्प लेकर जा ही रहा होता है कि वो देखते हैं कि वजीर ने अलादीन को पानी में धक्का दे दिया है। तभी अबू लैम्प को भी पानी में फेंक देता है जिसमें से जिनी निकलकर आता है और अलादीन को पानी में से बचाकर ले आता है। लेकिन तब जिनी कहता है कि ये अब तुम्हारी दूसरी विश काउंट होगी और अब बस तुम्हारे पास लास्ट एक ही विश बची है। वहीं वजीर को लगता है कि अलादीन मर चुका है और वो सुल्तान को बोलता है कि अलादीन एक झूठा इंसान था, इसीलिए वो अब यहाँ से भाग गया है। लेकिन अलादीन ने वजीर की सारी सच्चाई पहले ही जैस्मिन को बता दी थी कि वो बहुत ही झूठा और लालची इंसान है और वो सुल्तान को धोखा देकर खुद किंगडम पर राज करना चाहता है। इसीलिए सुल्तान वजीर को जेल में बंद करवा देता है और तभी वहां अलादीन आ जाता है और सुल्तान उसको बोलते हैं कि अलादीन तुम अब मेरे बेटे हो। ये सब देखकर अलादीन बहुत खुश हो जाता है और वो अपने रूम में जाकर जिनी से कहता है कि मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा ये ही है कि मेरा झूठ कभी भी किसी के सामने ना आए। और ये सब कुछ सुनकर जिनी बहुत दुखी हो जाता है और अलादीन को बोलता है कि तुमने अपनी लास्ट विश में मुझे इस लैम्प से फ्री करना था, लेकिन नाउ अलादीन इज अ चेंज्ड मैन, तो वो बहुत क्लेवर हो चुका है। इसीलिए अलादीन जिन को कोई जवाब नहीं देता और जिनी भी वापस लैम्प में बिना कुछ बोले चला जाता है। और इसके बाद अलादीन वापस अपने पुराने घर में आ जाता है और वहां से पैलेस को देखता है और जैस्मिन को याद करता है। वहीं दूसरी तरफ वजीर का पैरेट कीज चुरा कर वजीर को जेल से बाहर निकाल देता है और वजीर सबसे पहले बाहर आकर अपना फेस बदल कर अलादीन के यहाँ से लैम्प चुरा लेता है और फिर
वजीर जिन को बोलता है कि उसको सुल्तान की गद्दी पर बिठा दिया जाए और जिनी अल्टीमेटली उसकी ये बात मान जाता है। और जैसे ही ये बात सुल्तान को पता चलती है, तब सुल्तान और जैस्मिन बहुत ज़्यादा गुस्से में वजीर के पास जाते हैं और सुल्तान अपने सैनिकों को उसको जेल में डालने को बोलता है। लेकिन तब वजीर उन सब को बोलता है कि अब मैं तुम्हारा सुल्तान हूँ, अब तुम लोग वही करोगे जो मैं बोलूँगा। दरअसल जिन का जादू सबके ऊपर छाया हुआ होता है, इसीलिए सबको यही लगता है कि वजीर अब उनका सुल्तान है। और अब सुल्तान और जैस्मिन को जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जेल में जैस्मिन सुल्तान के एक खास सैनिक को बहुत समझाती है कि उसके पापा ही असली सुल्तान है, और बहुत ज़्यादा कन्विंस करने पर वो मान जाता है। और जैस्मिन उसको बोलती है कि वजीर हमारे किंगडम के कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, और वो मानकर सबको ऑर्डर देता है कि सब वजीर को अरेस्ट कर ले। लेकिन तब वजीर जिन से अपनी दूसरी विश मांगता है, जिसमें वो कहता है कि उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिशियन बना दिया जाए। जिन उसकी ये भी विश पूरी कर देता है, और अब वजीर सबसे ज़्यादा पावरफुल जादूगर बन चुका है। और जब वो सुल्तान का खास सैनिक वजीर को अरेस्ट करने जाता है, तब वजीर उसको गायब ही कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ अलादीन को ये पता लगता है कि उसका लैम्प किसी ने चुरा लिया है, इसीलिए अलादीन सीधा पैलेस में जाता है और वहाँ उसको पता लगता है कि उसका लैम्प तो वजीर के पास है। तो अलादीन अपना लैम्प लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वजीर उसको देख लेता है और वजीर अपनी मैजिकल पावर से अलादीन को उसकी असली भेस में ले आता है। और जैस्मिन और सुल्तान को उसकी असलियत बताता है कि ये तो यहाँ का एक चोर है। और इसके बाद वो अलादीन को अपनी मैजिकल पावर से गायब करके एक बर्फीली जगह पर मरने के लिए भेज देता है। और तभी अलादीन का मैजिकल कारपेट अबू और अलादीन को वहां से बचाकर ले आता है। वहीं पैलेस में हम देखते हैं वजीर जो सुल्तान बन चुका है, अब जैस्मिन से शादी करना चाहता है, और जैस्मिन उसके लिए बिल्कुल मना कर देती है। लेकिन जब वजीर उसके पापा और डालिया को टॉर्चर करता है, तो जैस्मिन उससे शादी करने के लिए मान जाती है, और उनकी शादी बस होने ही जा रही होती है। लेकिन जैस्मिन को अचानक से बाहर अलादीन मैजिकल कारपेट में बैठा हुआ दिख जाता है, और इसीलिए जैस्मिन लैम्प को लेकर नीचे कूद जाती है और अलादीन उसको वहां से भगा कर लेकर जाने लगता है। लेकिन तभी वजीर का पैरेट उसका पीछा करने लगता है, और वजीर उस नॉर्मल पैरेट को काफी बड़ा सा पैरेट बना देता है। साथ में अपनी बहुत सारी मैजिकल पावर्स यूज करके उन दोनों को वापस ले आता है और उनको बोलता है कि मुझे जो भी चाहिए था मुझे मिल चुका है, और तुम लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं सबसे पावरफुल हूँ। अलादीन वजीर को बोलता है कि तुम यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल तो कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल तो जिनी है। तो ये सुनकर वजीर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी आखिरी विश जिनी से पूरी करने को बोलता है, जिसमें वो कहता है कि मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है, और जिनी उसकी ये भी विश पूरी कर देता है। और इसके बाद वजीर सीधा लैम्प के अंदर कैद हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल तो जिनी था और वो उस लैम्प में कैद था। और अब जब सबसे ज्यादा पावरफुल वजीर बन चुका है, तो अब उसका कैद होना तो बनता ही है। और इसके बाद जिनी अलादीन को बोलता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुमको तो सच में ही प्रिंस होना चाहिए। और जिनी उसको बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी तीसरी विश बाकी है, तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। अलादीन आखिरी विश मांगता है, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि जिनी के लिए, और अलादीन जिनी को आज़ाद कर देता है, और अब जिनी भी नॉर्मल इंसान बन जाता है। और जैसे हमें पता था कि उसको डालिया काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए वो डालिया को अपने साथ चलने को बोलता है, और डालिया भी फटाफट से मान जाती है और उसको बोलती है कि उसे तो दो बच्चे चाहिए। और वहीं सुल्तान अपनी रिंग जैस्मिन को देता है, इट मींस कि अब प्रिंसेस वहां की नई सुल्ताना है, और जैस्मिन और अलादीन की भी शादी हो जाती है। और अब हम वही सीन देखते हैं जहां से मूवी स्टार्ट हुई थी, वही शिप से, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जिनी है, और वो दो बच्चे उसी के हैं। और जिनी अब एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जीवन जी रहा होता है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।
होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्द ही 5000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव करने में हमारी हेल्प करें। एंड 10 लकी सब्सक्राइबर्स कैन विन सम अमेजिंग गिवअवेज वंस वी कंप्लीट 5000 सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइब नाउ टू सिनेमा बातचीत एंड कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग आवर वीडियोज। See you in the next video. Till then, stay tuned and keep watching Cinema Baatcheet.